ओके लास्ट बर्थडे रह गई है और ये लास्ट बर्थडे है आयशा की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके छोटू, तो हमारे ईमेल एसएमएस हो गए, बर्थडे शुरू हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो यहाँ पे आ गए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ईमेल एसएमएस का तरीका हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से नोट कर लीजिए और जल्दी से आ जाइए हमारे शो में जिसका नाम है इंडस छोटू। तो यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मेरी शक्ल को देखते रहिए आप। ओ छोटू कैसा लगा आपको ये मेरा मैजिक? कैसा नई नई शक्ल बनाई मैंने, मतलब एक गुस्से में आ गया था फिर हैप्पी आ गया। अच्छा हाँ, तो अब बारी आई है छोटूस स्टोरी की, लेकिन अपनी गेस्ट को थैंक्स कर दें। थैंक यू सो मच प्रिंसेस, आप हमारे शो में आई। तो आप हमारे छोटूस को कोई मैसेज देना चाहेंगी कि छोटूस अच्छे बच्चे बनिए, रोज स्कूल जाएं, मम्मा पापा का कहना माने? छोटूस स्कूल जाएं, अपने मम्मा पापा का कहना माने। बहुत अच्छा मैसेज। ओके जवीरे, तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे? अब मुझे तुमसे स्टोरी सुननी है। जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, वॉल्यूम, वो स्टोरी एक ऐसे शहजादे की है, वो चिंग चोंग चाइनीज शहजादे थे, तो मैंने अपनी आवाज ऐसी कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक शहजादा था, वो शहजादा था, तो वो चाहता था, मैं अपनी स्टोरी शुरू कर रहा हूँ कि वो चाहता था, उसके कुछ दिन रह गए थे, वो बहुत बूढ़ा हो गया था, और वो चाहता था कि मुझे एक अच्छा राजा मिले जो मेरी जगह के यहाँ पर हुकूमत करे। उसका कोई बेटा या बेटी नहीं थी जो आके हुकूमत करती। तो उसने सोचा कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, अगर मैं मर गया तो मेरी एम्पायर को कौन देखेगा, ये तो सब खत्म हो जाएगा। उसने दूर दूर से बुलवाए अच्छे अच्छे ब्रेव ब्रेव बादशाह, मतलब के बादशाह के बेटे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनका इम्तहान लूं और उन ताकतवर राजाओं की तरफ देखा, मतलब के उनके बेटों की तरफ देखा। उसने कहा देखो मैं तुम्हें एक एक बीज दूंगा और एक एक पॉट दूंगा, इस पॉट के अंदर तुम्हें ये बीज बोना है और जो सबसे अच्छा पौधा लगा के लाएगा इसमें वो किंग बन जाएगा। सबने सोचा ये तो बड़ा आसान है। बहुत दिनों बाद सब लोग अपने अपने पौधे लेके आए और सबके पौधे अच्छे अच्छे हरे भरे हो रहे थे। सब लोग एक दूसरे को देखने लगी, क्या पता वो लोग खरीद कर लाए हो बाहर से। अब आगे तो सुनो होता क्या है, उनके पौधे बहुत अच्छे अच्छे हरे भरे अच्छे अच्छे लगे हुए थे। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि किसने अच्छा उगाया है, किसने अच्छा उगाया है, किसने गंदा उगाया है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक शख्स को देखा जिसका नाम था वंशी के पास खाली पॉट था, उसका पौधा उगा ही नहीं। फिर सबको देखा राजा ने, मतलब कि बादशाह ने, जो उसको किंग बनाना चाहता था, किसको बनाए वो। उसने देखा कि उसका पॉट बगैर पौधे के। उसने कहा आओ आओ तुम आ जाओ, तुम आके राजा हो। उसने कहा लेकिन इस तरह पौधा ही नहीं उगाया। सब लोग कहने लगे, उसने कहा तुम सबके सब बहुत बेईमान हो और ईमानदार नहीं शख्स हो, ईमानदार नहीं हो, तुम लोग धोखेबाज हो। मैंने तुम लोगों को उबला हुआ बीज दिया था जिससे कभी भी पौधा नहीं उग सकता था और तुम लोगों ने वो सीड बदल दिया, लेकिन ये बहुत अच्छा बच्चा है, मन का सच्चा है, पाड़ा पाड़ा बच्चा है। इसने वो
सीट नहीं बदला बल्कि उसी सीट को वहीं पे बो दिया और तुम सब लोग धोखेबाज हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को किंग नहीं बनाऊंगा। तो इस तरह इस हमें कहानी से सबक मिलता है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम लेना चाहिए। और मेरी आवाज बदल गई, ईमानदारी से काम लेना चाहिए, कभी भी कोई धोखेबाजी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो शख्स ईमानदार होता है वो लोग अपने पौधे तो बड़े बड़े लेकर आ गए लेकिन क्या फायदा हुआ इन पौधों का? हाँ, कुछ नहीं हुआ। तो देखिए छोटू, आप ईमानदारी से काम लें, झूठ ना बोलें, सच्चाई का साथ दें, कभी भी देखें झूठ ना बोलें। बेशक झूठ आप ना बोलें बस चुप रह जाएं आप, ठीक है छोटू? तो ईमानदारी से काम लें, देखें धोखेबाजी ना करें। जैसे कि उन लोगों ने सीट बदल दिया था, उन्होंने वो वाला दूसरा बो दिया था लेकिन वो अच्छा बच्चा था, अच्छा था तो उसने क्या होता है वही बोला और वही बोल दिया। तो छोटू इन सब बातों पर अमल कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा छोटूस, अपने अपने अब्बू का कहना मानिएगा, शरारते नहीं कीजिएगा छोटूस। अल्लाह हाफिज छोटूस, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय छोटूस, अल्लाह हाफिज करो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।